Yes, so today I am going to start the next exercise 5.2. First of all, look at some formula, some important formula. Number first, let A be the first term, D common difference, and number of term. Then nth term of NAP is given by TN is equal to A plus N minus 1 into D. इस फार्मूले से हम लोग nth term निकाल सकते हैं किसी भी AP में. अगर हमें nth term लाइक थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, टेंथ टर्म, ट्वेंटी टर्म फाइंड करना है तो इस फार्मूले से हम लोग डायरेक्ट एंड टर्म फाइंड कर सकते हैं. द अनदर फार्मूला इज लेट एल बी द लास्ट टर्म, एल बी द लास्ट टर्म डी कॉमन डिफरेंस common difference and number of terms then nth term of NAP from the end. Tn is equal to L minus N minus 1 into D. इस फॉर्मूले का यूज हम लोग कहाँ पर करेंगे? From beginning. और इस फॉर्मूले का यूज कहाँ कब करेंगे? From end. अगर nth टर्म हमें बिगिनिंग से फाइंड करना है मीन्स स्टार्ट से तो फर्स्ट वाला फार्मूला का यूज करेंगे, और nth टर्म अगर हमें एंड से फाइंड करना है तो इस फार्मूले का यूज करेंगे. टी एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर टी एन इज इक्वल टू nth टर्म, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, एंड डी मीन्स कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस मीन्स द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर. एंड द जनरल फॉर्म ऑफ डी is general form of d is common difference. हम find करते हैं last से first वाले को subtract करते हैं तो ये हो जाएगा tn minus 1. means अगर हमें first वाले ही किसी sequence में common difference find करने हैं like suppose ये एक sequence है a1 a2 a3 एंड सो ऑन, और हमें किसी भी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लें. सपोज ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर हुआ, इसके बीच का कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो यहाँ पे d इज इक्वल टू n का वैल्यू कितना रखेंगे, 2 मीन्स ए टू, या फिर ऐसे कर दें टी टू माइनस, और n का वैल्यू 2 है तो यहाँ पर भी 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 कितना होगा टी वन. अब टी टू का वैल्यू कितना है ए टू माइनस, एंड वैल्यू ऑफ टी वन इज ए वन, देन कॉमन डिफरेंस इज ए टू माइनस ए वन, एंड दिस इज योर जनरल फॉर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस. नाउ सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज 5.2.
द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ एन ए पी एंड यू हैव टू फाइंड फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू फिफ्थ वेयर इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यू हैव टू फाइंड ए एन, इन क्वेश्चन नंबर सेकेंड यू हैव टू फाइंड डी, इन क्वेश्चन नंबर थर्ड यू हैव टू फाइंड ए, इन क्वेश्चन नंबर फोर यू हैव टू फाइंड एन एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ यू हैव टू फाइंड ए एन मीन्स nth टर्म. Look at A means first term. A means first term. D means common difference. An means nth term. ये ध्यान देंगे कभी कभी TN की जगह AN भी लिखा होता है तो दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है. TN और AN दोनों का वैल्यू सेम है. यस सो इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 8 एंड यू हैव टू फाइंड हियर ए एन मीन्स nth टर्म इज इक्वल टू व्हाट. देन यू नो दैट ए एन आर टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. Put all the values of a n and d. 7 plus 8 minus 1 into 3. 7 plus 7 into 3. 7 plus 21. 21 plus 7 is equal to 28. This is your nth term. An means a8 or t8. Number second is the value of A is given minus 18, the value of N is given that is 10 and the value of An is 0. You have to find here common difference D is equal to what. Now again use the formula of N term of NAP. An is equal to a plus n minus 1 into d. An is equal to 0. A means minus 18 plus n minus 1 means 10 minus 1 into d. 0 is equal to minus 18 and plus 9d. 9d is equal to 18 or d is equal to 18 upon 9 that is 2. D is equal to 2. This is your answer. Now students will solve the question number 3, 4, 5 from the question number 1. Next, the question number 2 is choose the correct choice in the following and justify. Like the question number 1 is question number first from question number second. 30th term of the AP 10, 7, 4, 10, 7, 4 like this is. Here the value of A is equal to 10, D is equal to 7 minus 10, this is minus 3. N means the value of N is equal to, you have to find the 30th term, so the value of N is 30. Then use the formula of nth term, the nth term of NAP, nth term of NAP is given by TN is equal to A plus N minus 1 into D. Put all the values of A, D and N. T30 is equal to 10 plus 30 minus 1 into, and the value of D is minus 3. 10 plus 29 into minus 3. 10 plus and minus minus, 3 9 is 27, carry 2, 3 2 is 6, 2 8.
एंड 10 माइनस 87 इज इक्वल टू माइनस 77, दिस इज योर 30th टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। स्टूडेंट्स विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर सेकंड फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर टू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस लाइक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू फिल इन द ब्लैंक्स 26। यू नो दैट द कॉमन डिफरेंस ऑफ ईच कंजुगेटिव टर्म इज इक्वल, लेट हियर इज एक्स। जो भी बॉक्सेस अगर हैं जिसे हमें फिल करना है उसे हम लेट कर लिए किसी वेरिएबल से, और ये पता है कि किसी भी कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस है वो सेम आएगा। अगर ये सीक्वेंस हमारा एपी में है तो इसका इसके बीच का डिफरेंस और इसके बीच का डिफरेंस दोनों इक्वल आएगा, तो उसी मेथड का यूज करके हम x का वैल्यू निकालेंगे। मीन्स x माइनस टू दिस इज योर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 26 माइनस एक्स, मीन्स इसमें से इसको माइनस करेंगे एक डिफरेंस आया, इसमें से इसको माइनस किए एक डिफरेंस आया, और दोनों डिफरेंस क्या होंगे इक्वल होंगे। x एंड माइनस x दिस इज प्लस x, 26 प्लस 2 2x इज इक्वल टू 28, x इज इक्वल टू 14। द अनदर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। द सेकेंड नंबर इज बॉक्स 13 अगेन बॉक्स 3। पुट सम वेरिएबल इन द बॉक्सेस, सपोज एक्स लाई हियर एंड वाई लाई हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, एंड द वैल्यू ऑफ y विल बी इक्वल टू y माइनस 13 इज इक्वल टू 3 माइनस y। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y लाइक दिस, y प्लस y इज इक्वल टू 3 प्लस 13, 2y इज इक्वल टू 16 एंड y इज इक्वल टू 8। The value of I is equal to 8. Now you have to find the value of x. So the value of x will be again find the common difference of this consecutive term and this consecutive term. That is again 13 minus x is equal to 8 minus 13. 13 minus x is equal to 8 minus 13 is equal to minus 5, and minus x is equal to minus 5 minus 13, minus x is equal to minus 18, x and x cancel, x is equal to 18. So the value of x will be 18. Now students will solve question number 3, 4, 5 from the question number 3rd. The next question is question number 4. The question number 4 is which term of the AP 3, 8, 13, 18 is 78. The 78 is your nth term, means Tn is equal to 78, A is equal to 3, D is equal to 8 minus 3 is equal to 5. Now use the formula of nth term of an AP, Tn is equal to A plus n minus 1 into D. Put all the values, 78 is equal to 3 plus 5 minus 1 into D, D. You have to find the value of n. You have to find value of n, means which term of NAP is 78. And the value of D is 5.
78 माइनस 3 इज इक्वल टू 5n, और यू हैव टू सॉल्व लाइक दिस 3 प्लस 5n माइनस 5. 78 इज इक्वल टू 3 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 5n. 5n इज इक्वल टू 78 प्लस 2, 5n इज इक्वल टू 80. n इज इक्वल टू 80 अपॉन 5, दिस इज इक्वल टू 16. मीन्स 16th टर्म ऑफ एन ए पी इज 78. सिमिलरली स्टूडेंट्स विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5th. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ए पीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. चेक वेदर माइनस 150 इज द टर्म ऑफ द ए पी 11852. हमें चेक करना है कि क्या माइनस 150 इस एपी का कोई टर्म है कि नहीं है. ठीक है, तो टर्म के बारे में एक चीज़ जान लें कि टर्म जो नंबर ऑफ टर्म है मीन्स जो एन का वैल्यू है वो एक होल नंबर आएगा. होल नंबर से बेटर नेचुरल नंबर आएगा मीन्स लाइक 1, 2, 3, 4 लाइन लाइक दिस. ठीक है, और यहाँ पर अगर एन का वैल्यू कोई नेचुरल नंबर आता है तब माइनस 150 इस एपी का एक टर्म होगा. तो लेट करते हैं, लेट दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6. लेट 11852 डॉट डॉट माइनस 150, या फिर इस टाइप से लेट कर लें, लेट माइनस 150 इज द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी ऑफ एन ए पी. अगर हम लेट किए कि माइनस 150 ए पी का लास्ट टर्म है तो सीक्वेंस किस टाइप में होगा. सो सीक्वेंस विल बी 11852 डॉट माइनस 150. फाइंड ए इज इक्वल टू 11, डी इज इक्वल टू 8 माइनस 11, दिस इज माइनस 3, एंड टी एन इज इक्वल टू माइनस 150. नाउ यूज द फार्मूला ऑफ एन टर्म ऑफ एन ए पी. टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ टी एन ए एन एन डी. टी एन इज इक्वल टू माइनस 150, ए इज इक्वल टू 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू वैल्यू ऑफ डी इज माइनस 3. नोट दैट फॉर नेचुरल नंबर ऑफ एन, नेचुरल नंबर ऑफ एन विल बी अ टर्म ऑफ गिवन, विल बी ए टर्म ऑफ गिवन पार्टिकुलर टर्म, गिवन पार्टिकुलर टर्म. मीन्स एन के नेचुरल नंबर होने पर जो भी पार्टिकुलर टर्म दिया है वो गिवन सीक्वेंस का एक टर्म होगा. यहाँ पे हमें देखना है कि इस एन का वैल्यू पॉजिटिव नंबर है या नहीं है, सॉरी एक नेचुरल नंबर है या नहीं है. माइनस 150 इज इक्वल टू 11 माइनस 3n प्लस 3. माइनस 150 इज इक्वल टू 11 प्लस 3 इज इक्वल टू 14 माइनस 3n, एंड माइनस 3n इज इक्वल टू माइनस 150 एंड माइनस 14. माइनस 3n इज इक्वल टू माइनस 164. माइनस एंड माइनस कैंसिल, n इज इक्वल टू 164 अपॉन 3, एंड द वैल्यू ऑफ 164 अपॉन 3 इज 3 5 15, 3 4 12, 3 6 18, 3 6 18, like this. But n is equal to 54.6666
इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी. -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73. Very interesting question. और ये इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं. You have to find 31st term of an AP. एक सिंपल ट्रिक है, सिंपल ट्रिक पे बता देते हैं. You have to find 31st term of an AP. क्वेश्चन नंबर 7 मीन्स T31 इज इक्वल टू वाट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एन एंड डी. द कंडीशन इज 11th टर्म इज 38 मीन्स 11th टर्म इज इक्वल टू 38 एंड द जनरल फॉर्म ऑफ 11th टर्म विल बी ए प्लस 10D means A plus 10D is equal to 38. This is your equation number first. And 16th term is 73. 16th term is equal to 73. And the general form of 16th term will be A plus 15D is equal to 73. This is your equation number second. Find the value of A and D after solving equation number first and second. Subtract equation first from equation second. The second equation is A plus 15D is equal to 73 and the first equation is A plus 10D is equal to 38. This is cancelled. 15D minus 10D is 5D and 73 minus 38, 13 minus 8, this is 5 and 6 minus 3, D is equal to 7. Put the value of D either equation number first or equation number second. Putting X is equal to 7 in equation first and the equation first is A plus 10D is equal to 38, A plus 10 into 7 is equal to 38, A plus 70 is equal to 38, A is equal to 38 minus 70 and this will be equal to 10 minus 82 and 6 minus 32. Now you can find the 31st term of this AP. T31 is equal to A plus N minus 1 into D. The value of A is minus 32 plus the value of N is 31 minus 1 and the value of D is 7. Is equal to minus 32 plus 30 into 7 minus 32 plus 7 threes are 21 210 and subtract 32 from 210. 10 minus 2 is 8 and 10 minus 3 is 7, 178. The 31st term of the given for the given condition is 178. Now students, will solve question number 8 and 9. Question number 8, 9, 10, 11, 10. 8, 9, 10, 11 and 12.
थैंक यू।